हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन टू ग्रुप शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ग्रुप को फैक्टर ग्रुप भी बोलते हैं और हिंदी में इसको विभाग या खंड ग्रुप बोलते हैं। विभाग ग्रुप या खंड ग्रुप, क्या होता है बेटा क्वेश्चन ग्रुप? इंटरेस्टिंग है। पहले अगर H G का नॉर्मल सब ग्रुप हो तो ही ये सारी थ्योरी डेवलप होती है, अदरवाइज ये सब कुछ आपका मतलब ही नहीं। अगर G H जो है G का नॉर्मल सब ग्रुप है तो G by H क्वेश्चन ग्रुप होता है। इसके अंदर H के सारे राइट पोसेट्स या लेफ्ट पोसेट्स आते हैं जहां X इज एलिमेंट ऑफ G होना चाहिए। ये जो सेट है इसको अपन क्वेश्चन ग्रुप बोलते हैं। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं, जैसे सपोज जी है 1 iota + -1 - iota, एच इसका नॉर्मल सब ग्रुप है 1, -1, अपन देख चुके हैं ये इसका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो बेटा जी बाय एच का मतलब होगा एच के जी के अंदर सारे राइट पोसेट्स का सेट। मतलब इसका अगर 1 के साथ करोगे तो एच ही आएगा, मतलब एच इंटू 1 निकालोगे तो वापस एच ही मिलेगा। एच इंटू आयोटा निकालोगे मतलब क्या होगा बेटा, वो ये होगा दोनों को आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आयोटा और ये माइनस आयोटा होगा। माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बेटा एच माइनस 1, ये होगा आपका माइनस 1, दोनों को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 1 इंटू प्लस 1, ये तो वापस आपका एच ही आ गया। एच इंटू माइनस 1 जो है आपका प्लस एच ही आ गया, इसका कोई मतलब नहीं है। एंड लास्ट में एच इंटू माइनस आयोटा अगर करोगे तो माइनस आयोटा और प्लस आयोटा, ओके ये वापस एच आयोटा के बराबर ही आ गया, दोनों सेम है ये वाली चीज और ये वाली चीज। तो एक्चुअली जी बाय एच दो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स है, एक तो एच आ रहा है एक एच आयोटा आ रहा है। तो ये जो सेट है दोनों दो तरह के ही राइट कोसेट्स बन रहे हैं, ये दोनों राइट कोसेट्स का सेट कोशेंट ग्रुप जी बाय एच कहलाता है। ओके ये कोशेंट ग्रुप है। अच्छा डेफिनेशन तो यही है बेटा। अब थ्योरम ये कहती है कि अगर सारे राइट कोसेट्स का सेट बनाया जाए तो ये अपने आप में एक ग्रुप बनाता है। जैसे ये राइट कोसेट्स का सारे राइट कोसेट्स का सेट बनाया जी बाय एच, ये एक ग्रुप है। चलिए पहले ये थ्योरम प्रूव करते हैं। थ्योरम 3.8 क्या है थ्योरम का स्टेटमेंट? The set of all cosets of H normal subgroup of G है and set of all cosets of H in G is a group with respect to multiplication of cosets। अच्छा इसमें operation कौन सा लगेगा? Sets है, right cosets, in fact right cosets के ऊपर operation है ये वाला H A H B, मतलब दो right cosets को operate करोगे तो आपको ये वाला मिलेगा H of A B, जहाँ A and B belongs to G है, ठीक है ना? तो इन दोनों कोसेट्स का ऑपरेशन का मतलब ये हुआ। ओके चलिए प्रूव करते हैं कि जो जी बाय एच है मतलब सारे राइट कोसेट्स हैं, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स, मतलब राइट कोसेट्स भी हो सकते हैं लेफ्ट कोसेट भी हो सकते हैं। इनफैक्ट ये भी अपने सीखा था कि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट नॉर्मल सब ग्रुप के लिए सेम होता है। मतलब एच अगर जी का नॉर्मल सब ग्रुप है तो कोई भी एक्स एच और एच एक्स बराबर होगा, ये अपन प्रूव कर चुके हैं एक्चुअली पिछले वीडियोज में। चलिए तो अपन प्रूव करते हैं कि सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ये एक ग्रुप होगा। कैसे करते हैं बेटा ग्रुप को प्रूव? ग्रुप की कुछ कंडीशंस हैं। जी नॉट, पहले जी नॉट ये है कि अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। चलिए जी नॉट सेटिस्फाई करते हैं, क्या होगा बेटा जी नॉट? लेट एच ए एंड एच बी कॉमन लगाते हैं, एच बी आर एलिमेंट ऑफ जी, ध्यान रखते हैं जी ऑलरेडी ग्रुप है और एच उसका नॉन सब ग्रुप है, एच खुद भी एक ग्रुप है। H A H B अगर एलिमेंट ऑफ G है तो ये प्रूव करना है कि H A डॉट H B मतलब ये चीज भी G का एलिमेंट होगा। लेट्स सी, अगर H A और H B एलिमेंट ऑफ G बाय H है, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ H ऑफ G बाय H, इसको बोलते हैं G बाय H का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ G बाय H। ओके ये अपना नोट करते हैं G बाय H से। अगर HA और HB को जी बाय इसी को सब ग्रुप इसी को ग्रुप प्रूव करना है बेटा। HA और HB अगर जी बाय H के एलिमेंट हुए इसका मतलब ये हुआ कि A
एंड बी, ये जो दोनों है वो जी से लिए जाएंगे, क्योंकि सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच जी बाय एच का मतलब ये हुआ बेटा, है ना। अब अगर ये दोनों कोसेट ए और बी जी के एलिमेंट्स होंगे, तो अगर ए और बी जी के एलिमेंट्स हैं तो ए बी भी तो जी का एलिमेंट हुआ, क्यों, जी अपने आप में एक ग्रुप है, तो ग्रुप में तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, दो कोई भी जी का एलिमेंट्स लो आपको जी का एलिमेंट ही मिलेगा ऑपरेशन करने पर। अच्छा, इन दोनों के बीच में ऑपरेशन वो होगा जो जी के लिए डिफाइंड होगा, और दो कोसेट्स के बीच में ऑपरेशन वो होगा ये वाला, इसके लिए ऑपरेशन ये कोसेट्स के लिए, बाकी इनके बीच में ऑपरेशन तो वही लगेगा जो जी के लिए है। ओके, अगर ए बी जी का एलिमेंट है तो एच ऑफ ए बी जो है वो जी बाय एच के अंदर होगा ही होगा, ऑब्वियसली ना, जी बाय एच क्या है बेटा, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ जी इन बाय एच, इसका मतलब ये है, जी बाय एच का मतलब ये है, एच एक्स सच दैट एक्स इज एनी एलिमेंट ऑफ जी, ये स्पेशल लिख सकते हो एक्स एच सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ जी, कोई भी एक चीज लिख दो एक ही बात दोनों। ओके, क्योंकि लेफ्ट कोसेट और राइट कोसेट फॉर नॉर्मल सब ग्रुप सेम ही होता है। ओके, तो यहाँ पे अगर ए बी जी का एलिमेंट है तो एच ऑफ ए बी, एच ऑफ ए बी जी बाय एच का एलिमेंट होगा, क्योंकि जी बाय एच में सारे राइट कोसेट से एच इंटू जी का कोई भी एलिमेंट ले लो जी बाय एच के अंदर है, तो एच इंटू जी का एलिमेंट लिया तो जी बाय एच के अंदर हो गया। तो मतलब अपन को ये पता चल गया, जब भी एच ए एच ए कॉमा एच बी, दैट इंप्लाइज जब भी एच ए कॉमा एच बी एलिमेंट ऑफ जी है, जी बाय एच है, तो तब एच ए डॉट एच बी, ये एच ए कॉमा मैंने लिखा है, मतलब जब ये दोनों जी का बाय एच के एलिमेंट है तो एच ए डॉट एच बी भी जी बाय एच का एलिमेंट होगा, एच ए बाय एच बी का मतलब एच ऑफ ए बी, तो मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर गया है कि ये दोनों अगर जी के एलिमेंट लोगे तो ये जी का एलिमेंट होगा। ओके, सेकेंड जी वन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्या होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बेटा, जी वन एच ए एच बी एच सी शुड इक्वल टू दिस एच ए एच बी डॉट एच सी, ये दोनों अगर बराबर आ जाए तो हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। कैसे करेंगे देखना बेटा, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ एच ऑफ ए एच ऑफ बी को एच ऑफ ए बी एच ऑफ सी, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ एच ऑफ ए एच ऑफ बी को एच ऑफ ए बी सी। ओके, किस प्रॉपर्टी किसके हिसाब से लिखा बेटा मैंने, ये दिए हुए ऑपरेशन के हिसाब से लिखा है कि दो राइट कोसेट्स को आप इन एलिमेंट्स को साथ में लिख सकते हो, तो ये और ये मैंने साथ में लिख दिए। अब इनको ऐसे लिख सकता हूँ बेटा मैं एच ऑफ ए एच ऑफ बी सी, उल्टा लगाया, इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी सी बी मान लिया, अब इसको उल्टा लगा दो बेटा क्या होगा, एच ऑफ बी एच ऑफ सी हो गए दोनों बराबर, मतलब जो ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है, जी बाय एच इज एसोसिएटिव अंडर गिवन ऑपरेशन, अंडर गिवन ऑपरेशन। ओके, एसोसिएटिव हो गया। थर्ड अपने आता है जी टू, अब आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, देखिए जी बाय एच का आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो होगा एच, मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर आप एच से प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वही एलिमेंट मिलेगा। कैसे देखिएगा, अगर मैं एच, एच का मतलब एच ही, ये दोनों एक ही बात होती है। ओके, किसी भी सेट को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो तो आपस वही सेट मिलता है मुझे, एच इज कुछ एच ही इज आइडेंटिटी एलिमेंट, लिख देता हूं मैं पहले। कैसे देखिएगा बेटा, लेट एच ए इज एन एलिमेंट ऑफ जी बाय एच, अब एच ए डॉट एच ई क्या होगा बेटा, एच ए डॉट एच ई होगा एच डॉट ए ई, इसकी मदद से लिखा मैंने, कोई भी एलिमेंट है वेयर, ऐसे लिख देना वेयर ई इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी, जी लिख दो एच लिख दो एक ही बात है, क्योंकि दोनों का सब ग्रुप है ना, एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, तो जी की आइडेंटिटी है उसको ए से आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको ए ही मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है इसकी, तो ये आपका एच ए को एच से राइट साइड से मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, अगर एच ई को एच से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपको एच ए ही मिलेगा, तो ये प्रूव हो गया, दैट इंप्लाइज एच ए इज सॉरी एच ई या एच इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, तो आइडेंटिटी डस एग्जिस्ट इन जी बाय एच, जी टू भी सेटिस्फाई हो गया। अब लास्ट बचा जी थ्री, इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट, वो भी अगर जी बाय एच में है, जी बाय एच के हर एक एलिमेंट का इनवर्स अगर जी बाय एच में है तो वी विल सी दैट जी बाय एच इज अ ग्रुप नाउ। ओके, कैसे देखते हैं बेटा, लेट
जी लाइक एच ए इज सम एलिमेंट ऑफ जी बाई एच, जी बाई एच वो एलिमेंट है एच ए, तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा, ए जो है वो जी के अंदर होगा। अब अगर एच ए, अगर ए जी के अंदर है तो ए इनवर्स भी जी के अंदर होगा। क्यों बेटा? क्योंकि ए जी एक ग्रुप है ना, तो उसका हर एक एलिमेंट का इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स जी के अंदर होगा ही होगा। तो दैट इंप्लाइज एच ए इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ जी बाई एच होगा। एच को जी के किसी भी एलिमेंट से आप राइट कोसाइन निकालिए, वो जी बाई एच के अंदर है। तो एच ए इनवर्स अगर जी बाई एच के अंदर है, तो अब देखिए इसका इनवर्स जो होगा ना ये होगा। कैसे देखना? एच ए इनवर्स निकालोगे तो क्या आएगा बेटा? आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, इनवर्स का क्या मतलब होता है? ए इंटू बी भी आइडेंटिटी आना चाहिए और बी इंटू ए भी आइडेंटिटी आना चाहिए। तो देखिए एच इंटू एच इनवर्स क्या आएगा? एच इंटू एच इनवर्स आएगा एच ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स तो आइडेंटिटी होगा, क्योंकि ए और ए इनवर्स दोनों जी के एलिमेंट्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट जो है आइडेंटिटी आएगा, जी की आइडेंटिटी आएगा। एच ए मतलब एच। सिमिलरली अगर एच ए इनवर्स को एच ए से करोगे तो क्या आएगा बेटा? एच ऑफ ए इनवर्स ऑफ ए, मतलब एच ऑफ ई, मतलब वो भी एच आएगा। ओके मतलब ये प्रोडक्ट भी एच के बराबर है, ये प्रोडक्ट भी एच के बराबर है। तो ये सफिशियंट है टू से दैट एच ए का इनवर्स इज इक्वल टू एच ए इनवर्स होगा। इसका इनवर्स ये है या वाइस वर्सा भी कह सकते हो। तो इसका क्या मतलब हो गया? कोई भी अगर आप एलिमेंट मानो एच ए जी ए बाई एच का, तो क्या हो गया? फॉर ऑल एच ए एलिमेंट ऑफ जी बाई एच, एच ए इनवर्स एच ए का होल इनवर्स इज एलिमेंट ऑफ जी बाई एच हो गया। तो बेटा लास्ट कंडीशन कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी जी बाई एच के अंदर है, तो इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ जी बाई एच इज अगेन एलिमेंट ऑफ जी। तो अपन कह सकते हैं सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, जी नॉट से लेकर जी नॉट जी वन जी टू एंड जी थ्री, तो वी कैन से दैट जी बाई एच इज अ ग्रुप, हेंस ग्रुप। ओके सिंपल था। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ ग्रुप मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके बाद में कुछ रिमार्क्स। क्या रिमार्क्स है बेटा? कि अगर मल्टीप्लीकेशन ग्रुप जी जो है, अगर मल्टीप्लीकेशन के लिए तो एच ए डॉट एच जी इस तरह से लिखते हैं, अगर ये ग्रुप एडिशन के लिए होना जी कैसे लिखते हैं बेटा? एच प्लस ए जो है वो राइट कोसेट होगा, एच प्लस बी जो होगा वो भी राइट कोसेट होगा, और उनका प्रोडक्ट जो है यह आएगा एच प्लस ए प्लस बी। इनका प्लस प्रोडक्ट नहीं बोलना चाहिए, बस इसका सम एडिशन बोलना चाहिए। ओके ये सेम ही बात है, बस मल्टीप्लीकेशन के लिए इस तरह से डिनोट करते हैं और एडिशन के लिए इस तरह से डिनोट करते हैं। ओके नेक्स्ट रिमार्क कि जी बाई एच के अस्तित्व के लिए जरूरी है कि एच का प्रसामान्य होना आवश्यक है। मतलब जी बाई एच की एक्सिस्टेंस तभी होगी जब एच जो है जी का एक नॉर्मल सब ग्रुप, प्रसामान्य ग्रुप होगा तो ही। अगर एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप नहीं हुआ तो ये चीज एक्सिस्ट नहीं करेगी, इस चीज का तो मतलब ही नहीं रहेगा। नेक्स्ट थ्योरम 3.9। इस थ्योरम 3.9 का कोई प्रूवल नहीं है, केवल थ्योरम का स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है बेटा? कि अगर G कोई ग्रुप है और H उसका नॉर्मल सब ग्रुप है, तो ऑर्डर ऑफ G बाय N, मतलब G बाय N जो G बाय H, उसका जो नॉर्मल H G का नॉर्मल सब ग्रुप है, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना बेटा, ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H के बराबर होता है। किसी भी क्वोशेंट ग्रुप में नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है बेटा, उस ग्रुप G का ऑर्डर अपॉन उस ग्रुप जो नॉर्मल सब ग्रुप है उसका ऑर्डर को डिवाइड करने पर मिलता है। जैसे सपोज G अगर है, इसका ऑर्डर है सपोज 12, और ऑर्डर ऑफ H जो है वो सपोज है 4, तो ऑर्डर ऑफ G बाय H जो है वो होगा 12/4, मतलब 12/4 यानी 3। जो इसका क्वोशेंट ग्रुप बनेगा उसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। ये सब अपन ने देखा था ना, वो 1-1 आयोटा माइनस आयोटा, और H था बेटा 1-1। तो इसके ग्रुप, उसका जो G बाय N H बनाया था उसके अंदर कितने एलिमेंट्स थे बेटा? 4, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, 4/2 2 एलिमेंट्स थे। हाँ 2 एलिमेंट्स तो थे G बाय H, मैंने आपको बताया इसके अंदर 2 राइट कोसेट्स बने थे डिफरेंट डिफरेंट एच और एच आर का। ओके चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ क्वोशेंट ग्रुप, इट इज थ्योरम 3.10। इजी थ्योरम है। थ्योरम यह है बेटा, एवरी क्वोशेंट ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन बट नॉट कन्वर्सली। मतलब
लेट एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड जी इज अबेलियन, मतलब एच जो है जी का नॉर्मल सब ग्रुप और जी अबेलियन है, तो जो वी नीड टू प्रूव कि जी बाय एच जो है वो भी अबेलियन होगा. व्हाट इज अबेलियन? अबेलियन का मतलब ये होता है बेटा ए प्लस बी, अगर प्लस से ले तो मल्टीप्लिकेशन के लिए लिख देता हूँ ए बी डॉट इसको टू बी ए, अगर ऐसा होता है तो अपन कहते हैं कि अबेलियन ए बी इसको टू बी ए हो रहा है अगर जी के सारे एलिमेंट्स के लिए, तो ग्रुप इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के बाद अबेलियन ग्रुप कहलाता है या कम्यूटेटिव ग्रुप कहलाता है. ओके तो चलिए इसको अबेलियन ग्रुप करते हैं. कैसे करेंगे? लेट एच ए, अब ये एक ग्रुप तो है ये पता है, मतलब जी नॉट जी वन जी टू और जी थ्री तो सेटिस्फाई करता है. अबेलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए एडिशनली अपन केवल जी फोर ही चेक करना है, तो ये बाकी सारे चेक करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो कर चुके हैं अपन, और ये थ्योरम है कि जी बाय एच हमेशा ग्रुप होता ही है. तो चलिए केवल जी फोर सेटिस्फाई करते हैं. कैसे बेटा? लेट एच ए और एच बी आर एलिमेंट ऑफ जी बाय एच, मतलब इस क्वेश्चन ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, इससे क्या पता चलता है? इंप्लाइज ए कॉमा बी जो है वो जी के एलिमेंट्स होंगे. ओके अगर एच ए डॉट एच बी निकाला जाए, अपन ये प्रूव करना है कि एच ए और एच बी और एच बी डॉट एच ए दोनों बराबर है. एच ए डॉट एच बी क्या होगा बेटा? एच ऑफ ए बी यूजिंग द गिवन प्रॉपर्टी, गिवन बाइनरी ऑपरेशन ना, क्वोशेंट ग्रुप के जो सेट्स होते हैं जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें यही ऑपरेशन लगता है. इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं एच बी एच ए, क्यों बेटा? क्योंकि सिंस ए कॉमा बी आर एलिमेंट ऑफ जी एंड जी इज अबेलियन, जी अबेलियन दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा. इसके लिए आप ए बी को बी ए लिख सकते हो. अब इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा? एच बी डॉट एच ए, मतलब हमेशा एच ए और देयर फोर हमेशा ऐसा होगा एच ए डॉट एच बी इज ऑलवेज इक्वल टू एच बी डॉट एच ए, दैट इंप्लाइज जी बाय एच इज अबेलियन, है ना, इज अ अबेलियन ग्रुप. ग्रुप तो ऑलरेडी था, अबेलियन भी हो गया तो अबेलियन ग्रुप कहलाया. ओके सिंपल है, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मतलब अगर जी बाय एच हमेशा अबेलियन है तो जी अबेलियन होगा ऐसा जरूरी नहीं है. ऐसे एग्जांपल्स अवेलेबल है जिसमें से ये चीज प्रूव फॉल्स प्रूव की जा सकती है. ओके चलिए नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम 3.11, ये भी सेम थ्योरम है बेटा साइक्लिक के लिए बस अबेलियन की जगह, कि अगर 3.11 कि अगर एच जो है जी का नॉर्मल सब ग्रुप है एंड जी इज साइक्लिक, अगर जी साइक्लिक ग्रुप है तो एक बार आपको याद दिला दूं साइक्लिक ग्रुप क्या होता है. साइक्लिक ग्रुप का मतलब ये होता है बेटा एक ऐसा ग्रुप जिसके सारे एलिमेंट्स एक एलिमेंट से जनरेट किए जा सकते हैं. ए ए स्क्वायर ई ए की पावर जीरो से शुरू करते हैं. ए की पावर जीरो का मतलब होता है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी ए की पावर वन ए की पावर टू ए की पावर थ्री इस तरह करते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लिक ग्रुप. इसको ऐसे डिनोट करते हैं जी स्क्वायर ब्रैकेट ए, मतलब ए की अलग अलग पावर जीरो वन टू थ्री पावर रेस करके सारे एलिमेंट्स इसके बनाए जा सकते हैं. जिस एलिमेंट की पावर रेस करके सारे एलिमेंट्स बनाए जाते हैं उस एलिमेंट को जनरेटर बोलते हैं. ओके ये साइक्लिक ग्रुप है. अच्छा ये आपको दिया हुआ है अगर जी साइक्लिक है तो जो आपका क्वोशेंट ग्रुप होगा जी बाय एच वो भी साइक्लिक होगा. चलिए चेक करते हैं जी साइक्लिक, ठीक है. लेट ए इज जनरेटर ऑफ जी, मतलब ए जनरेटर ऑफ जी मतलब जी इज इक्वल टू दिस, जनरेटर का मतलब ये होता है. चलिए अब जी बाई एच की बात करते हैं. जी बाई एच साइक्लिक होगा. अच्छा एक खास बात, वी नीड टू प्रूव जी बाई एच इज साइक्लिक. खास बात ये है बेटा कि अगर ए जी का जनरेटर है तो एच ए इसका जनरेटर होगा, मतलब इसके सारे एलिमेंट्स एच ए की अलग अलग पावर रेंज करके बनाए जा सकते हैं. साइक्लिक का होने का मतलब यही है. चलिए प्रूव करते हैं. इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जी इज इक्वल टू ए की पावर एन, जहां पे एन कोई भी इंटीजर हो सकता है. इन पावर को रेंज करके एन की वैल्यूज रख करके आप पूरा जी बना सकते हैं. अब लेट एच ए एन, अच्छा अपन राइट कोसेट्स बना रहे हैं जी के अंदर इसी तरह के एलिमेंट्स एक ही पावर एन की तरह के एलिमेंट्स, तो एच ए एन मान लिया कोई जी बाय एच का एलिमेंट है. अपन को ये प्रूव करना है कि जो जी बाय एन है जी बाय एच ए की पावर एन है
ये एचए की कुछ पावर से बनाया जा सकता है। देखो समझिए इसको ध्यान से, अपन जी बाय एच को साइक्लिक ग्रुप प्रूव करना चाहते हैं। साइक्लिक ग्रुप का मतलब ये होता है इसका हर एक एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट की पावर रेस कर करके बनाया जा सकता है। तो अपन ये मान लेते हैं इस जी बाय एच का कोई एलिमेंट, अब जी बाय एच के अंदर तो कैसे एलिमेंट होंगे बेटा, एच इंटू जी का कोई एलिमेंट, जी के अंदर सारे एक ही पावर वाले एलिमेंट्स हैं, तो जी बाय एच के अंदर एच इंटू ए की पावर वाला कोई एलिमेंट होगा। मान लिया अपने ए की पावर एन वो एलिमेंट जी से लिया है और एच इंटू ए की पावर एन ये अपना जी बाय एच का कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इस जी बाय एच के अंदर हर एक एलिमेंट इसी तरह का होगा। अब अगर एच एन जी बाय एच का ऑब्वियसली एलिमेंट होगा ही, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ एच ए डॉट ए डॉट ए डॉट एन टाइम्स ए की पावर एन का लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली इज ऑब्वियसली एलिमेंट ऑफ जी बाय एन एच होगा ही होगा। अब ये प्रॉपर्टी है, ये अपन को ऑपरेशन दिया हुआ है एच ए डॉट एच बी इज इक्वल टू एच ऑफ ए बी होता है। अगर इसको जनरलाइज किया जाए एच ए एच बी एच सी, उसको आप एच ऑफ ए बी सी कर सकते हैं, एच ऑफ ए बी सी इस तरह करते करते एन टाइम्स होगा, इसको आप एच ऑफ ए बी सी एन टाइम्स लिख सकते हैं। तो अगर इसका रिवर्स यूज किया जाए, उस साइड को अगर ये लिख दिया जाए, मतलब ये एच ऑफ ए ए ए एन टाइम्स है, इसको अगर ऐसे लिख दिया जाए, ऐसे लिखा जा सकता है एच ऑफ ए एच ऑफ ए एच ऑफ ए इस तरह करते करते एन टाइम्स इस एलिमेंट ऑफ जी बाय एच फॉर श्योर, मतलब एच ए की पावर एन के एक सेकंड इसको एलिमेंट नहीं लिखना था, मुझे ऐसे लिखना था दिस एच ऑफ ए की पावर एन इक्वल्स टू दिस दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस, मतलब कोई भी एलिमेंट एच पर जी बाय एच का कोई भी एलिमेंट अगर आप ले लो तो उस एच ए की पावर एन की फॉर्म में लिखा जा सकता है ना, क्योंकि फॉर ऑल एच ए की पावर एन एलिमेंट ऑफ एच एच एन कैन बी रिटन एज जी बाय एच सॉरी एच ए की पावर एन, मतलब हर एक जी बाय एच के हर एक एलिमेंट को अपन एच ए की पावर एन की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो एच ए है दैट इंप्लाइज जो ये एच ए है वो जनरेटर हुआ, मतलब इसके जी बाय एच के हर एक एलिमेंट को इसकी कुछ ना कुछ पावर में की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब ये जनरेटर हुआ, इसके सारे एलिमेंट्स को इससे बनाया जा सकता है जैसे। ओके तो ये हो गया, दैट इंप्लाइज जी बाय एच इज द साइक्लिक। ओके इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, अगर जी बाय एच साइक्लिक है तो जरूरी नहीं है जी साइक्लिक होगा, इसके भी एग्जांपल्स अवेलेबल है, इसलिए एग्जांपल्स अवेलेबल है इसलिए अपन कहते हैं भाई कि उसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। अगर ट्रू हो तो अपन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे, फॉल्स होता है एग्जांपल काफी होता है। चलिए अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर वन, एक्चुअली एग्जांपल नंबर वन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो ये जो है मैंने आपको बताया जी इज इक्वल्स टू वन माइनस वन आयोटा माइनस आयोटा, इसका क्वेश्चन ग्रुप जो जी बाई एच है वो आपको फाइंड करना था, वो अपन ने फाइंड कर दिया है। तो ये एज एन एक्सरसाइज मैं आपको छोड़ रहा हूँ, वापस एक बार आपको ट्राई कर दीजिएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल टू अपन कर लेते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या है एग्जाम्पल टू बेटा, फाइंड द क्वेश्चन ग्रुप जी बाय एच ऑल्सो प्रिपेयर ऑपरेशन टेबल, जो ऑपरेशन टेबल में बनाकर बताऊंगा। जी आपको दिया हुआ है कोई भी इंटीजर्स का सेट फॉर एडिशन, एंड एच आपको दिया हुआ है फोर जेड, इसका सब ग्रुप है, इनफैक्ट नॉर्मल सब ग्रुप है, जी जो है एच का नॉर्मल सब ग्रुप है, ये दिया हुआ नहीं है लेकिन आपको पता है बेटा एच जी का नॉर्मल सब ग्रुप है। आपको जी बाय एच की वैल्यू निकालनी है और उसका ऑपरेशन टेबल बनानी है, ठीक है चले करते हैं। तो पहले जी बाय एच क्या होगा बेटा, सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ जी बाय एच है ना, सारे कोसेट्स निकालते हैं। चलिए कोसेट्स ऑफ इसको ऐसे लिखते हैं, कोसाइन सेट ऑफ ऑल कोसेट्स ऑफ एच इन जी, इसको ऐसे लिखते हैं बेटा ना, एच के कोसेट्स निकालते हैं, एच के कोसेट्स में राइट कोसेट्स निकाल दो, एच में अगर आप जी के एलिमेंट्स कोसेट्स निकालना है, जी के एलिमेंट्स को एडिशनल टू प्लस एडिशन लिखूंगा, प्लस लीजिए एच प्लस जीरो एच प्लस वन एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच प्लस फोर एंड सो ऑन। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये इंटीजर का सेट इंटीजर है, मतलब जेड का मतलब ये होता है बेटा सारे इंटीजर, जीरो प्लस वन माइनस वन प्लस टू माइनस टू प्लस थ्री माइनस थ्री सब चलता जाएगा। फोर जेड का मतलब है इन सबको फोर से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब फोर के मल्टीपल ही आ जाएंगे, प्लस माइनस फोर आएगा प्लस माइनस एट आएगा प्लस माइनस ट्वेल्व आएगा एंड सो ऑन। ओके इन दोनों का मतलब ये है क्या। अब एच प्लस जीरो क्या आएगा बेटा, इन सारे एलिमेंट्स में जीरो ऐड कर दो,
जीरो ऐड करोगे तो ये आएगा, ये सेम ही आएगा, जेड ही आएगा, वापस एच ही आएगा, ओके सेम एलिमेंट आ जाएगा। अगर सब में अगर आप वन ऐड कर दो क्या आएगा बेटा वन। एक काम करता हूँ मैं फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी ऐसे लिख देता हूँ, जीरो फोर एट ट्वेल्व डैश डैश, और यहाँ लिख देता हूँ माइनस फोर माइनस एट माइनस ट्वेल्व डैश डैश। अब अगर सब में वन ऐड करूंगा तो क्या आएगा बेटा डैश 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 माइनस इलेवन माइनस सेवन माइनस थ्री डैश वन फाइव नाइन थर्टीन डैश डैश। और अगर एच प्लस टू निकालूंगा तो क्या होगा बेटा सब में आप टू ऐड करोगे माइनस टेन माइनस सिक्स माइनस टू टू सिक्स टेन फोर्टीन डैश डैश। सब में अगर थ्री ऐड करूंगा तो क्या मिलेगा बेटा ये मिलेगा माइनस का नाइन माइनस का फाइव माइनस का वन थ्री सेवन इलेवन फिफ्टीन डैश डैश। अगर मैं एच प्लस फोर करूंगा तो इंटरेस्टिंग है क्या मिलेगा मुझे, लेकिन आप इस माइनस फोर ऐड करोगे तो क्या इसमें फोर ऐड करोगे क्या मिलेगा माइनस एट जीरो फोर ट्वेल्व, इसमें फोर ऐड करूंगा तो मिलेगा सिक्सटीन एंड सो ऑन। अच्छा एक चीज आप गौर कीजिए, एच प्लस फोर जो है ना वापस एच के बराबर ही आ रहा है। सिमिलरली एच प्लस फाइव अगर आप करोगे ना तो ये एच प्लस वन के बराबर ही आएगा, एच प्लस सिक्स अगर आप करोगे ना तो वो एच प्लस टू के बराबर ही आएगा, एच प्लस सेवन अगर करोगे तो वो एच प्लस थ्री के बराबर ही आएगा एंड सो ऑन। ओके तो एक्चुअली इस सेट में चार ही जी बाय चार ही डिफरेंट कोसेट्स हैं। ये एच प्लस जीरो मतलब एच ही हो गए, तो एच प्लस वन एच प्लस टू एच प्लस थ्री और एच प्लस फोर, बाकी सब रिपीट हो रहे हैं बार बार। ओके तो आपको क्या निकालना था बेटा, फाइंड द क्वेश्चन ग्रुप जी बाय एच, तो जी बाय एच तो निकल गया, जी बाय एच का मतलब हुआ एच कॉमा एच प्लस वन कॉमा एच प्लस टू कॉमा एच प्लस थ्री। कुछ बुक वाला हो सकता है इसको ऐसे लिखे एच कॉमा वन प्लस एच, एच प्लस वन और वन प्लस एच एक ही बात है, टू प्लस एच थ्री प्लस एच। ओके चलिए अब इसके ऑपरेशन टेबल बनाते हैं, ऑपरेशन टेबल कैसे बनेगी देखते हैं बेटा। इस चीज का ध्यान रखें कि h प्लस ए प्लस एच प्लस बी का मतलब यहां पे होगा h प्लस ए प्लस बी। ओके ऑपरेशन टेबल का मतलब ये है, ये आप लोगों ने जूनियर क्लास में बनाई है टेबल्स, h एच प्लस वन एच प्लस टू एंड एच प्लस थ्री, एच एच प्लस वन एच प्लस टू एच प्लस थ्री, ये आपके ऑपरेशन टेबल बनेगी। यहाँ क्या आएगा बेटा h प्लस एच, एच प्लस एच एच ही होता है ध्यान रखना, h प्लस एच का क्या मतलब होता है एच प्लस जीरो प्लस एच प्लस जीरो मतलब एच प्लस जीरो प्लस जीरो यूजिंग दिस। तो ये बेटा एच प्लस जीरो यानी कि वापस h ही आता है, एच प्लस वन क्या आएगा बेटा इसका क्या मतलब होता है एच प्लस जीरो प्लस एच प्लस वन, इसका मतलब एच प्लस जीरो प्लस वन मतलब एच प्लस वन ही आएगा। सिमिलर ये एक्चुअली आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई होने ऐड होने के बाद सब सेम ही रहेगा। कुछ और बताता हूँ मैं, यहाँ पे क्या आएगा बेटा एच प्लस वन एच प्लस टू, एच प्लस वन और एच प्लस टू का क्या मतलब हुआ एच प्लस वन एच प्लस टू का क्या मतलब हुआ बेटा एच प्लस वन प्लस टू यानी कि एच प्लस थ्री आएगा, तो यहाँ आएगा एच प्लस थ्री। सिमिलरली यहाँ क्या आएगा वन प्लस थ्री एच प्लस फोर, मैं फुल टेबल अब फिल कर देता हूँ, एच प्लस वन एच प्लस टू एच प्लस टू एच प्लस थ्री एच प्लस फोर सॉरी एच प्लस फोर आएगा, एच प्लस फोर का मतलब एच ही होता है बेटा। ओके अभी अपन ने देखा जस्ट थोड़ी देर पहले ये एच ही होगा, ये एच प्लस एच प्लस फाइव आएगा, एच प्लस फाइव का मतलब एच प्लस वन ही होता है। सिमिलरली ये एच प्लस थ्री ये एच प्लस फोर मतलब एच ही आएगा, ये एच प्लस फाइव मतलब एच प्लस वन आएगा, ये एच प्लस सिक्स का मतलब एच प्लस टू ही होता है। ये अपनी ऑपरेशन टेबल बन गई, सिंपल है, आई होप आपको समझ में आया है। एग्जाम्पल्स इतने ही है बेटा, नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं आपको सारे ट्राई करने हैं और डाउट्स मुझे पूछने हैं। आज के लिए इतना ही करते हैं, डाउट्स डिस्कस करने के बाद अपन नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे। थैंक यू बेटा।